हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम पे हम क्या सीखेंगे, चलिए आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये टैली प्राइम ओपन किया हमने, ठीक है। अब ये कंपनी बनी हुई है राम कंप्यूटर क्लास। अब देखिए समस्या क्या है कि जब आप F11 की प्रेस करते हैं, अगर आपको GST इनेबल करना है या कुछ ऐसा काम करना है तो आप यहाँ पर F11 की प्रेस करते हैं, और कंपनी बनाने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको इनेबल करना होता है, या वो पहले से आपको इनेबल मिलती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इनेबल करना पड़ता है तो इसे हम इनेबल क्यों रखते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मेंटेन अकाउंट्स, तो इसको यस रखा गया है, और यहाँ पर जो मेन है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको भी यस रखा गया है। अगर मैं इसको नो कर देता हूं, यहाँ पे एन प्रेस कर देता हूं और अब कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, तो आप बिल वाइज डिटेल नहीं ऑप्शन आपके में आएगा, ये दिक्कत होगी। यहां से आप बी प्रेस कर दीजिए और वाउचर में आ जाइए। अब जिस वाउचर में चलते हैं, और यहां पर ये मैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देता हूं और 1 अप्रैल 2021, और यहां पर एक क्रेडिटर पार्टी बना लेते हैं हम। यहां पे मैंने कर दिया है गौरव, ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी, और इसे मैं डाल देता हूं सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। तो यहां से आप इसे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल दीजिए, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। अब यहां पर नीचे मेंटेन बिल बाय बिल ये सब नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपने ऑफ कर रखा है, दैट्स व्हाई। और यहां पर एंटर एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए और कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए। यहां परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, और यहां पर जो भी आपका स्टॉक आइटम है उसे आप परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर 109 स्टॉक आइटम मैं परचेस कर रहा हूं, 100 रुपए खरीद रेट पड़ रहा है, और बाकी अगर आपने जीएसटी इनेबल किया तो यहां पर जीएसटी भी कैलकुलेट होकर आ ही जाएगा आपका। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लेता हूं, सेम स्टेट का मामला है इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया हमने, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये जो परचेस किया हमने, यहां पर इसकी रिपोर्ट हमें देखनी है तो डिस्प्ले में जाना होगा, तो 2 बार डी प्रेस कर सकते हैं आप, ठीक है, डिस्प्ले में जाने के लिए। अब जो हमने एंट्री पास की है वो कौन सी एंट्री है ये देखना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं, और हमने बनाया था गौरव सिंह, तो ये हमारी एंट्री है, ये देखिए यही हमारी एंट्री है, और यहां पर ये पूरी डिटेल आपको नजर आएगी। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो अल्ट पी, ये तो मैं हर वीडियो में लगभग बताता ही हूं आपको, यहां पर आई बटन प्रेस कर सकते हैं, यहां पर आपका प्रिंट आउट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट आउट है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें इसका पेमेंट करना है, क्योंकि हमने परचेस किया तो परचेस करने के बाद पेमेंट होता है, तो पेमेंट करने के लिए हमें कहां जाना है, बी प्रेस करना है, वाउचर में आना है, और वाउचर में आने के बाद कहां चले जाइए, पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर के लिए आपको F5 प्रेस करना है। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे बस ये पूरी डिटेल इस तरह से खुल जाएगी, ये लेजर्स पहले से बने हुए हैं, और हम पेमेंट क्रेडिटर पार्टी कौन सी है उसी का लेजर हमें लगाना है। तो यहाँ पे गौरव सी, ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी, इसका लेजर लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12,862 रुपए इनका बकाया आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 12,862 रुपए हमने किया और एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये कैश में देना है, कैसे देना है, तो जैसे मान लीजिए कैश में ही देना है तो ये कैश कर दिया हमने। अब यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो खैर नेगेटिव कैश है, कैश अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल वाला जो बॉक्स ओपन होता है वो यूजुअली ओपन नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसे ऑफ कर दिया था। अब ऑन करते तो क्या होता, देखिए अगर ऑन करते तो यहां पर देखिए मेंटेन, ये इनेबल बिल वाइज एंट्री है, इसको यस कर दिया मैंने और बस यहां कंट्रोल ए प्रेस किया। अब देखिए, अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए जो पेमेंट किया हमने वो एंट्री मैं कर देता हूं डिलीट, तो यहां से 2 बार डी प्रेस करते हैं और जो पेमेंट वाली एंट्री है उसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो गौरव सी पेमेंट वाली ये एंट्री है, ठीक है, देख ही सकते हैं 12,862 रुपए पेमेंट हुआ है, इसे मैं अल्ट डी प्रेस करके डिलीट कर देता हूं। तो ये डिलीट कर दिया हमने, अब डिलीट कर देंगे तो यानी कि पेमेंट जो हुआ था वो हिसाब किताब गया, खत्म हो गया, हटा दिया हमने इसमें से। अब देखिए यहां पर वापस से पेमेंट करते हैं, तो अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस क्या क्या है वो पता चलेंगे आपको। तो यहां पर गौरव सी का लेजर लगाएंगे तो यहां पर अमाउंट तो वही दिखाएगा आपको 12,862 रुपए। तो मान लीजिए यहां पर 12,862 रुपए आप करते हैं और इस बार मेंटेन बिल वाइज डिटेल ये वाला हिसाब किताब चालू है। तो यहां पर जैसे ही आप आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये बिल वाइज डिटेल वाला बॉक्स ओपन हो गया है, और यहां से आप कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब ये बिल वाइज कौन सा है, आपने एडवांस में पैसा दिया है, अगेंस्ट रेफरेंस है, किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो रहा है, ऑन अकाउंट है या न्यू रेफरेंस है, ये डिटेल नहीं खुलेगी अगर आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल को ऑफ कर देंगे तब,
कैसे, यहां पर जब आप आए थे शुरू में मैंने आपको बताया था यहां पे आपको F11 की प्रेस करना होता है अगर आपको जीएसटी वगैरह चालू करनी है या एडिशनल फीचर्स चालू करने हैं तो, और यहां से ये इनेबल बिल वाइज एंट्री इसको अगर आप कर देंगे ऑफ कर देंगे तो ये चीज नहीं आएगी, ये जो बॉक्स ओपन हो रहा था अभी वो बॉक्स ओपन नहीं होगा। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि ये बिल वाइज एंट्री है क्या और ये क्यों आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।